नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ा न्यूज निकल के सामने आ रहा है जो आप लोगों को चौंका देने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि इस वक्त आर्यन एनसीबी की कस्टडी में है, लेकिन एनसीबी को लेकर अब बहुत बड़ा सवाल उठने लगे क्योंकि कुछ चीज इस तरीके से एक्सपोज हुआ है और एक्सपोज करने वाला कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि महाराष्ट्र की मिनिस्टर नवाब मलिक है। नवाब मलिक ने बहुत सारे पॉइंट आउट किए हैं आर्यन की केस में, जो कि सुनने के बाद आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। आप पहले इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। ये दो तस्वीरों में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो आपको जो पर्सन एक्यूज्ड को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दोनों एनसीबी ऑफिसर्स नहीं हैं। यस, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये दोनों एनसीबी ऑफिसर नहीं है, इनको क्या अथॉरिटी है आर्यन खान और आरबाज मर्चेंट को हैंडल करने की? के एनसीबी इनको हायर किए हैं, लेकिन अगर आप इन लोगों की बैकग्राउंड देखेंगे तो चौंक जाएंगे। यस, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जो शाहरुख खान की दोस्त आरबाज मर्चेंट को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो है मनीष भानुशाली, जो कि बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यस, आप खुद इस पिक में भी देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की काफी क्लोज है। तो क्या ये बहुत बड़ी साजिश शाहरुख खान के खिलाफ रचा गया है, जिसकी जिक्र नवाब मलिक ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शाहरुख खान के खिलाफ एक महीने से क्राइम रिपोर्ट में ये सर्कुलेट किया गया था कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो शाहरुख खान होने वाले है। पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है। अगर कुछ पत्रकार अंदर उनका जमीर है तो हमें लगता है पत्रकारों को ये जानकारी है। हाँ, सर्कुलेट किया है, नहीं बोलते हैं तो मैं क्या करूं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि अगला टारगेट शाहरुख खान होने वाला है। पिछले एक महीने से ये खबरें सर्कुलेट की जा रही थी। तो ये सवाल बनना जरूरी भी है क्योंकि एनसीबी की जो दफ्तर में जो इन दो पर्सन को आइडेंटिफाई किया गया है, ये दोनों ही दोनों एनसीबी ऑफिसर्स नहीं है। तो फिर एनसीबी दफ्तर में या फिर आरबाज मर्चेंट और शाहरुख खान के बेटा आर्यन खान को ये दोनों क्यों हैंडल कर रहे हैं? तो आप लोग आपकी ओपिनियन तो कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये शाहरुख खान के खिलाफ बनाया हुआ साजिश है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।